आज मैं दो प्रश्नों पे बात करूंगा। पहला, जो लोग इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब दुखी हैं। दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि लॉस हो रहा है, दुखी इसलिए नहीं है क्योंकि उनका पोर्टफोलियो आगे नहीं बढ़ रहा है, दुखी इसलिए है कि किसी और का पोर्टफोलियो उनसे ज़्यादा बढ़ रहा है, दुखी इसलिए है कि कोई म्यूचुअल फंड वाला आता है या कोई एक एक्स वाई जेड शेयर टीवी पे आता है और कहता है देखो हमने ये रिटर्न दिया। ये वही है कि अपनी थाली ना देख के हम दूसरों की थाली देखने लगते हैं। तो द ग्रास इज ग्रीनर अदर साइड, ये का सबने समझा है, जाना है, इसको समझिए। दूसरी चीज कि जो बजट में कैपिटल गेन पे चेंजेज हुए हैं इससे भी लोग दुखी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों ही खुश होने की चीज़ है अगर आप इसको अपने फेवर में समझने की कोशिश करेंगे। कैसे, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी है और मैं आपका एडिटरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको किस तरह की वीडियोस आगे चाहिए। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं हम कैपिटल गेन टैक्स पे। कैपिटल गेन टैक्स जो लॉन्ग टर्म है वो 10 से 12.5 हो गया और जो शॉर्ट टर्म है वो 15 से 20 हो गया, लेकिन इसको आप अपने फेवर में यूज करके आप 15 की जगह 12.5 कैसे दे सकते हैं। अब तो 20 की जगह 12.5, लेकिन अब पुराना भी देखें तो जब 15 देते थे और अब 12.5 देंगे, कैसे देंगे। आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करेंगे शॉर्ट टर्म में, लेकिन टैक्स देंगे लॉन्ग टर्म का। इसके ऊपर स्ट्रेटजी मैंने बनाई है और मैंने कल इसका एक लाइव क्लास लिया था, 1 घंटे की वीडियो है, इस वीडियो में कवर नहीं हो सकती। मैं अपने यूट्यूब पे आज के डेट पे उसको डालूंगा, आप उसे ज़रूर देखें और निर्मला सीतारमण जी को नमस्कार करें कि आपको जो करना था कर दिया, लेकिन हमें इससे भी फ़ायदा हुआ। इसी को कहते हैं आपदा को अवसर में बदलें। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए, वो सिचुएशन आपको अपने फेवर में कन्वर्ट करना है। आप ज़रूर देखें, आप 7.5% एवरी ट्रेड में आप बचा सकते हैं, 20 - 12.5 7.5% एवरी ट्रेड में, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात जो मैंने कहा, सब लोग दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? इसलिए नहीं कि लॉस हो रहा है। दुखी क्यों है? इसलिए नहीं कि उनका पोर्टफोलियो ग्रो नहीं कर रहा। वो FD में थे, 6% 7% आफ्टर परसेंट मिलता था, आज उनको 18% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, लेकिन मेरे पास आते हैं, सर उसका ना 40 हो गया, उसका 35 हो गया। आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरे का कुछ और बढ़ गया। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, जिसका तेज़ी से बढ़ा है उसका तेज़ी से ही नीचे आएगा, और अगर आपका धीरे धीरे बढ़ा है तो करेक्शन के टाइम पे आपका धीरे धीरे नीचे आएगा या कम नीचे आएगा। आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कभी जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कभी आपने देखा कि बगल वाले का प्लॉट ज़्यादा बढ़ गया, मेरा कम बढ़ा, मैंने इस कॉलोनी में ख़रीदा था उस कॉलोनी में ज़्यादा बढ़ गया, मैं इसको बेच देता हूँ, वो खरीद देता हूँ, ये स्ट्रेटजी गलत है। हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसे होते हैं, हम कोई प्लॉट हमें समझ में आता है या कोई फ्लैट समझ में आता है, हम जाकर उसे ख़रीदते हैं। 10-20 साल बाद जब हमें अपग्रेड करना होता है या हमें पैसों की ज़रूरत होती है, हम उस प्लॉट को बेच देते हैं। अब बेच देते हैं फिर हमारे पास पैसे आ जाते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि हमने ख़रीदा था 50 लाख में, बिक गया 2 करोड़ में, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, हम खुश हो जाते। हम कभी नहीं कंपेयर करते कि यही 50 लाख हमने ये किया होता, वो किया होता, वहाँ लगाया होता, उस वाले प्लॉट में लगाया होता तो इतना बड़ा होता, पड़ोसी ने वहाँ लगा दिया, मामा ने वहाँ लगा दिया, चाचा ने वहाँ लगा दिया। नहीं, हम खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, देखो हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी। लेकिन यही काम हम इक्विटी में नहीं कर पाते। जिस दिन आपने XYZ कंपनी को ख़रीदा, जिससे भी चेयरमैन को मुझे ध्यान रखना है, मैं शेयर्स का नाम नहीं ले सकता, मेरी मजबूरी है, कई बार होल्ड ले लेता हूँ वहाँ गलती से समझाने के लिए, तो वो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस से लिया जाता है, एग्जांपल होता है, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। तो आपको क्या करना है, आपने कोई शेयर जो आपको अच्छा लगे, अच्छे रेट पे अवेलेबल है, उसे ख़रीदिए, 2-4-5-10 साल 15 साल रखिए, और जब आपको पैसों की ज़रूरत हो या जब आपको बेटर ऑप्शन मिले तो आप उसमें शिफ्ट हो जाइए। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने X शेयर ख़रीदा वो आपको 18% का रिटर्न दे रहा है और Y शेयर 25% का रिटर्न दे रहा है तो आप परेशान हो जाए।
आप इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। 20 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो वो 25% दे रहा है, जैसे ही आप उसमें शिफ्ट करेंगे वो 15 देना शुरू करेगा और ये आपका 18 वाला उससे बेटर होगा। ऐसा होगा होगा होगा, मैं 2 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल की बात नहीं करता, लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है। शेयर आपको आपके इकोनॉमी की ग्रोथ प्लस कुछ प्रीमियम देता है। इकोनॉमी मतलब GDP प्लस इन्फ्लेशन, GDP 6-7%, इन्फ्लेशन 6-7%, 12-13%। अच्छा शेयर लिया है तो 15 दे देगा, 16 दे देगा, 17 दे देगा, डिपेंडिंग अपॉन आपका बाइंग स्ट्रेटजी क्या है, आपने किस रेट पे खरीदा है। तो प्लीज़, दूसरों का म्यूचुअल फंड किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, दूसरों का पोर्टफोलियो किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, दूसरों का शेयर किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है, उस पे दिमाग ना लगाएं, आप खुश रहेंगे। अल्टीमेटली जो आप ये पैसा बना रहे हैं, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव आपकी हैप्पीनेस है। अगर आपकी हैप्पीनेस ही नहीं है, कुंठा है, यार मेरा तो बना नहीं, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया, मैं तो परेशान हो गया, तो आप परेशान ही रहेंगे। आपको क्या करना है, आपको करना है, मैं FD में लगाता था 7% मिलते थे, अब मैं इक्विटी में लगाता हूँ 15% मिलते हैं, बी हैप्पी विद दैट। आपको 15% का CAGR 10 साल लेके देखिए, आपके लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। मैं 39 की एज में रिटायर हुआ हूँ, आप भी चाहें तो ऐसे रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सोच में परिवर्तन करेंगे। कई लोग कहते हैं हमें स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें कोई नई टेक्निक से कुछ नहीं करना है, आपको अपनी सोच में रहन सहन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट इसमें चेंज करना है, प्लस जो ग्रोथ हो रहा है उसको एंजॉय करना है, दूसरों की ग्रोथ से कुंठित नहीं होना। भगवान में बहुत ताकत है, भगवान अल्लाह खुदा वाहेगुरु जिसको भी आप मानते हैं, आप उनकी पूजा करिए, आप उनकी इबादत करिए और उनसे हैप्पीनेस मांगिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप ऐसा करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, आप आगे बढ़ जाएंगे, आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके भाई बहन खुश रहेंगे, आपके माँ बाप खुश रहेंगे, और जब आपके अंदर हैप्पीनेस होगी आपके लाइफ बेटर हो जाएगी, पैसे अपने आप बन जाते हैं। उसके लिए हमें केवल अपनी सोच में चेंज करना है। स्ट्रेटजीज थोड़ा बहुत काम आती हैं, इसीलिए हम सीखते हैं, इसीलिए हम पढ़ते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा थॉट प्रोसेस। पॉजिटिव थॉट्स में खराब होने वाली चीज़ें भी अपने आप अच्छी हो जाती हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, फिर कह रहा हूँ सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और वो 1 घंटे वाली वीडियो को ज़रूर देखिए जो कल की क्लास है, बहुत प्रीमियम क्लास है। लोगों को बताइए कि कैसे आप अपने टैक्स रेट को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे नई वीडियोस चाहते हैं। नमस्कार।